हिसार साड़ियों का छोटा सा व्यापारी, रोज 1000-1500 रुपए का गल्ला, एक ही बेटी जिसका रिश्ता करने निकला तो लड़के वालों ने 50,000 रुपया नकदी मांग लिया और उसका भी 5 दिन का समय दिया। बेटियां बोझ नहीं होती साहब, बेटियों को बोझ ये दहेज के लालची लोग बना देते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, उगाए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड लड़ाए जाते हैं बेटे लाड लड़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे पर करनाल की कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटियां। हिसार का व्यापारी दहेज मांग लिया 50,000, बाबा का पक्का भरोसा, उसको मना नहीं करके आया, बोला 5 बजे दूध दूंगा, शाम के 5 बजे दूंगा, चिंता मत करो, जेब में 500 रुपया है, वादा करके आ गया 50,000 का। घर आया, धर्म पत्नी को बोला मैं रिश्ता तय करके आ गया हूं और 50,000 देने हैं 5 दिन बाद। धर्म पत्नी बोली तुमने अपना तो जिंदगी खराब कर ही ली, मेरी बेटी की भी जिंदगी खराब कराए। सेठ जी बोले बावड़ी जिसने 50 साल तक सांस दे दिए वो क्या 5 दिन में 50,000 दे देगा क्या? पहले दिन दुकान गया, शटर उठाया, जो चलाई हारे के सारे तेरा पुकारे आजा, पूरा दिन निकल गया 2000 रुपए का गल्ला। अगले दिन फिर गया, फिर शटर उठाया, आएगा आएगा नीले चढ़े सावरा, पूरे दिन 500 रुपए का गल्ला, घर चला गया। तीसरे दिन फिर आया, चौथे दिन फिर आया, कोई बोनी भी नहीं हुई। पांचवे दिन जब आने लगा तो घरवाली ने ताना देके भेजा, देख लिया जेब में 3,000 रुपए है, 5 बजे 50,000 चाहिए, जब 4 दिन में नहीं आए तो आज कैसे आ जाएंगे। चुपचाप चला गया, दुकान का शटर उठाया, जो जलाई, 1 बजे तक कोई नहीं आया। पूरे बाजार का नियम है, साड़ी बाजार का हिसार में, कि दोपहर में सारी दुकानें बंद होंगी, सब अपने घर खाना खाने जाएंगे। लेकिन उस भगत को जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको पानी भी प्यास नहीं लगती, बैठ गया, शटर खोल के बैठा रहा, पूरा बाजार बंद, और 1 बजे दोबारा जोत जलाई, आवाज लगाई, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, ओ बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा। तभी तभी एक सफेद कुर्ते पजामे में एक सेठ जी भागे हुए आए, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मैंने अपनी बिटिया का रिश्ता किया है और मुझे बाहर जाना है अभी 1 घंटे बाद, और मुझे 2.5 लाख की साड़ियां चाहिए, पूरा बाजार बंद है, सिर्फ आपकी दुकान खुली है, क्या मुझे सामान मिल जाएगा? जिसकी जेब में 3500 रुपया था, 5 बजे तक 50,000 चाहिए था, मगर बाबा की कृपा देखो, वो लीले घोड़े पे चढ़ के नहीं आएगा, वो घर की घंटी नहीं बजाएगा, वो आएगा आप जैसे किसी भगत का रूप लेकर आएगा। उठा लो जरा दोनों हाथ प्रेम से, क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, कुछ मेरा सब है तेरा, तुमने दिया मुझको प्रभु सब, तुमने की कहूं सुन लो प्रभु, अब दिल की कहूं सुन लो प्रभु, तेरे भरोसे चलूं सांवरे। एक प्रेमी गया 25-30 साल का मंदिर में, बाहर लिखा था यहां फोटो खींचना, लेकिन हरियाणा का था,
गार्ड साहब आ गए, और छोरा कहीं करे मोबाइल अंदर रख, यहाँ फोटो खींचना मना है, उसने जेब में डाल लिया। सिक्योरिटी वाला जैसे गया, हरियाणा का था, दोबारा फिर काट लिया, दोबारा फिर जब खिंचन लग गया, फिर सिक्योरिटी वाला अंदर रख, एक बार में समझ नहीं आती, उसने जेब में डाल लिया। अब जैसे सिक्योरिटी वाला गया और उसको बाबा के दर्शन हुए, आंखें यूं खोली और तीन बार सिक्योरिटी वाला आ गया, बोले क्या कर रहा है, बोला आंखों में खींच के ले जा रहा हूं, रोक के दिखा दियो रोक सके तो, लेकिन लेके जरूर जाऊंगा। कौन कौन लेकर जाएगा, जरा ताली बजे जोर से, ये बात एक दो सांवरिया तुमसे क्या मांगू, क्या मांगू जी मैं क्या मांगू, हम कुछ दे सकते हैं बाबा को, क्या दूं तुझे। पटना के प्रेमी का फोन आया, बोले कन्हैया जी मुझे शौक था, वैष्णो देवी जाता तो वहां से सिक्के मिलते हैं जिस पर माता छपी होती है, वृंदावन जाता तो बिहारी जी सिक्के पर छपे हुए मिल जाते, सुनना बाबा के खाटू का करिश्मा, वो सिक्के मैं अपने पास रख लेता था, भजन सुना हारे हारे खाटू जाने का मन हो गया, पहली बार नहीं जानता बाबा कौन है, क्या कैसे पूजा होती है, अपनी धर्म पत्नी के साथ रात को 12:30 बजे खाटू पहुंचा, किसी ने कहा आ जाओ निशान उठाते हैं, रात को 1:30 बजे निशान लेके रिंगस से चला, रस्ते में टोल से 1 किलोमीटर पहले रात के 3 बजे बिल्कुल सन्नाटा हो गया, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं गुप्त अंधेरा, मेरा मन डर गया कि पहली बार आया हूं, धर्म पत्नी साथ है, कल को कोई अनहोनी ना घट जाए। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया, बोला बेटा कुछ दे दे, मैं बोला बाबा जी कुछ नहीं दूंगा, उसने मेरी धर्मपत्नी से मांगा कुछ दे दो, मेरी धर्मपत्नी ने भी मना कर दिया, उसके बाद मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे यहां डर लग रहा है, ये कैसी नगरी है। तभी उस जो मुझसे मांग रहा था उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला बेटा जिस पे माता रानी छपी है और जिस पर वृंदावन वाला छपा है वो सिक्के नहीं देगा क्या। वो लेने ही तो आया हूं, ये दरबार है साहब, ये दरबार है, यहां पर जो करिश्मे होते हैं वो जिसके साथ होते हैं वही जानता है, चमत्कार को नमस्कार है तो खाटू नगरी में है, बांधन को संतान मिलती है तो खाटू नगरी में मिलती है, निर्धन को धन मिलता है तो खाटू नगरी में मिलता है, निर्बल को बल मिलता है तो खाटू नगरी में मिलता है। अरे कन्हैया करनाल में क्या बड़ी बात करेगा, जो दिल टूट जाते हैं वो खाटू नगरी में जुड़ जाते हैं। तू है मेरा एक सा मेरा, तू है मेरा एक सा मेरा, मैं हूं तेरा सुनता नहीं मेरी भला क्यों, सुनता नहीं मेरी भला क्यों, इतना बता दे क्या माजरा, इतना बता दे क्या माजरा, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे,